फॉरेन नेटवर्क बागा अपनी किताब की चौथी फोटो की तलाश में मैं पहुंच जाता हूं उस शहर जहां आया तो मैं सिर्फ 3 दिनों के लिए था, मगर बिताकर पूरे 3 हफ्ते जाऊंगा इसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। क्या करूं, ये शहर ही कुछ ऐसा है। आया मैं यहां पहले भी कई बार, मगर वो जो बनारस का रस कहते हैं ना, वो रस की मिठास इस बार समझ आई है। और यहाँ आने की मेरी वजह भी बहुत खास, एक बहुत ही इनक्रेडिबल स्टोरी है जिसको अपनी किताब के लिए कैप्चर करना चाहता हूँ मैं। इसीलिए अपनी गंगा यात्रा में सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं इसी शहर आने के लिए था। अब बनारस शहर भी तो ऐसा है कि जरा समय यहाँ रुक जाऊँ तो एक छोड़ो 11 छोड़ो पूरी 1100 फोटोज मेरे को यहीं से मिल सकती है, मगर मुझे सिर्फ एक ही स्टोरी की तलाश है। पर जो मैं फोटो चाहता हूँ क्या वो मुझे मिल भी पाएगी? बताता हूँ पूरा किस्सा बताता हूँ। पहले चाय पीते हैं। चाय पी लूँ, बड़ा ही लंबा सफर करके यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, और पहुँचा भी क्या खूब दिन पर हूँ भाई। वेलकम टू episode number 5। जागो रे देखो रे दुनिया ए देखो रे। यहाँ पहुँचने की टाइमिंग बेहतरीन इसलिए भी है क्योंकि कुछ ही दिनों में मनाया जाने वाला है बनारस का सबसे बड़ा त्योहार देव दीपावली। पर वेट, मैं यहाँ इसके लिए थोड़ी आया हूँ। क्या क्रेजी जगह, क्या क्रेजी एनर्जी है इस जगह में। मैं सुबह ना है नींद नींद में था, पहुँचा बनारस। कैसे पहुँचा वो तो पूछो मत, बट पहुँचा बनारस और खुश हो गया भाई। और अब आज जो फोटोग्राफ इमेजिन कर रहा हूँ पूरा एफर्ट देंगे कि वो उस तरह की कुछ फोटोग्राफ क्लिक कर पाए, क्योंकि अगेन जो मैंने बोला खाली फोटो में खूबसूरती नहीं दिखी, वो तो चलो मिल ही जाएगी, एक स्टोरी होना चाहिए। मेरे को ये वाली स्टोरी मेरे लिए पर्सनल इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, मोक्ष भवन चलेंगे, कितने पैसे? माना जाता है कि अगर आपकी मृत्यु काशी में होती है तो आप बर्थ और रिबर्थ की साइकिल से लिबरेट होकर मोक्ष पा लेते हो। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनके अंतिम दिन यही काशी में गंगा किनारे भी रहे। इसलिए प्रसिद्ध है यहाँ मोक्ष भवन, जहाँ मोक्षार्थी आते हैं और तब तक रुकते हैं जब तक उनकी मृत्यु हो नहीं जाती है। और ऐसी ही एक स्टोरी को मैं अपनी किताब के लिए डॉक्यूमेंट करना चाहता था, और इसीलिए फिर बनारस की गलियों में भटकता। तो खैर अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कि है कहाँ। मैं पहुंच जाता हूँ। दरअसल बात यह है कि इस काशीला मुक्ति भवन में शूट करने के लिए मुझे चाहिए परमिशन, जिसके लिए यहाँ के मैनेजमेंट के कहने पर एक रिटन रिक्वेस्ट लेटर मैं उसी शाम सबमिट कर देता हूँ। और अब मुझे इंतजार था उनके जवाब का। तो मैंने परमिशन के लिए लेटर दे दिया, रिक्वेस्ट भी करी है, पूरे होल हार्टेडली करी है। आई थिंक हो जाएगा। अभी तो कोई मोक्षार्थी है नहीं, मतलब कोई अभी यहाँ रुका ही नहीं है। तो जो वो बोल रहे हैं कि जब कोई आएगा तो हमें वो शायद तो नहीं इन्फॉर्म कर देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। कर देंगे तो मैं जहाँ भी कहीं होऊंगा अपने ट्रैवल के दौरान सब काम छोड़ के मैं इधर आ जाऊँगा, ऐसा मैंने इनको बोला है। तो देखते हैं। अगर आपको पता चले कि जीने के अब कुछ 3-4 दिन ही बचे हैं तब आप क्या करेंगे? किन्हीं प्रियजनों से मिलेंगे, कहीं और निकल जाएंगे, या फिर इन माताजी के जैसे काशी में रहकर अपनी सांसें थम जाने का इंतजार करेंगे? क्या ही चलता होगा उस समय दिमाग में, यही सब समझना चाहता था मैं। पशुपतिनाथ मंदिर में मेरी मुलाकात इन माताजी से होती है। माताजी बताती है कि वो यहाँ 50 साल पहले अपने किसी रिश्तेदार का ख्याल रखने आई थी, मगर तब से वह काशी छोड़कर कहीं और नहीं गई हैं। मेरे सारे परिवार का दह संस्कार यही मणिकर्णिका पर हुआ है। खूब प्रेम करते थे सब काशी से। अब मैं भी यही इंतजार में बैठी हूँ कि मैं कब मणिकर्णिका पहुंचूंगी। ऐसा कहकर माताजी हंस पड़ी। काशी में जो मनुष्य या जीव जंतु पशु जो भी मरते हैं उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए स्वयं शंकर आते हैं, इसलिए यहाँ मरने के लिए भी लोग आते हैं। यहाँ मरेंगे तो मुक्ति होता है, और हमारी भी मनोकामना यही है कि यहाँ पैदा हुए यही मरे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
और इसीलिए फिर जो तस्वीर भी लेना चाहता था वो देव दीपावली के दिन किन्हीं मोक्षार्थी को इन लाखों दीपों के बीच बिठाकर एक पोर्ट्रेट निकालना चाहता था। तो जी कुछ इस तरह से घाट पे भी तैयारियां चल रही हैं। अभी तैयारियों के दौरान ऐसा लग रहा है जगह जगह दीप लगाए जा रहे हैं, मगर जैसे ही शाम होगी अंधेरा होगा तो घाट दिखेगा कुछ इस तरह का। पर क्योंकि आज देव दीपावली का दिन है तो यह अब होना असंभव सा लगता है। अभी ऐसा दिखता है पर मेरा फोन बहुत ज्यादा खराब है तो मैं ज्यादा दिखा नहीं सकता, तो स्टोरी में वापस चलते हैं, यहाँ पे लौट के आएंगे। तो जी अभी मैं ऐसे घाट घाट घूम रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा रौनक है, बहुत ही ज्यादा चहल पहल है। मैं भी रौनक हूँ बट यहाँ की रौनक बहुत ज्यादा है उससे। और इस तरह से घाट सजाए जा रहे हैं, कहीं रंगोली बन रही है, कहीं कहीं लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, कहीं दिए सज रहे हैं, बहुत चहल पहल है, बहुत अच्छा लग रहा है। बनारस में बहुत बार आया हूँ ना, मगर मैंने यहाँ ऐसा डेकोरेशन कभी नहीं देखा। दिया वगैरह ये सब भी फोटो में देखा, मगर ये चीज कभी नहीं देखी। देखो हेलो, कैसे हैं? बढ़िया। ये देखा आपने? थोड़ा स्केरी सा लग रहा है। पाप और पुण्य की उड़ती यहाँ चिड़िया है। कहते हैं देव दीपावली के दिन देवता खुद उतर कर आते हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए। कर्म तेरा। तुम कह रहे थे ये मेन घाट है, और अभी यहाँ पर बस ऐसा ही है कि आप चल पा रहे हैं बेरली। जैसे ही अंधेरा होगा ना, जो जो ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि लास्ट वीक वीडियो नहीं आया था, पर मैं अपने डिफेंस में कहूंगा कि इस जगह का ही जादू था कि मैंने जरा भी टेंशन लेना छोड़ ही दिया। यहाँ पर बोट्स की इतनी ज्यादा भीड़ है कि पानी में पुलिस को आके फोन बजाना पड़ रहा है। पता है अब से रेगुलर हूँ। पर याद है सीरीज की एकदम स्टार्टिंग में जब मैं गौमुख गया था तो मैया से एक ही चीज मांगी थी, एक स्ट्रेस और एंजाइटी फ्री लाइफ। और अब एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वॉइस ओवर मुझे बनारस में पूरे 22 दिन हो चुके हैं, और यहाँ इतने दिन गुजार कर मैं एक चीज तो पक्के से कह सकता हूँ कि ये एंजाइटी क्या होता है। अच्छा अपनी बात को भी कंटिन्यू करते हैं, पर ये घाट की जरा खूबसूरती देखो 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 ध्यान से देखो। कैसे बनारस से प्यार में नहीं पड़ेगा यार। Maybe इस एंजाइटी के पुर हो जाने की वजह है कि जिंदगी का सत्य हर समय आपके सामने यहाँ घूमता रहता है, तो आप किसी भी चीज को लेकर ज्यादा सीरियस हो ही नहीं पाते हो। भले ही उस रात मुझे मोक्ष भवन से फोन ना आया हो, मुझे मेरी डिजायर्ड फोटो ना मिली हो, पर मुझे यकीन था कि अभी जो अगले 2-3 दिन यहाँ रुका हूँ बनारस में, पक्का कुछ जादू चलेगा। और फिर ठीक वही होता है। एक बहुत क्रेजी बात बताता हूँ, रुको। तो मेरे पीछे काशी विश्वनाथ मंदिर है ऑब्वियसली। मैं इधर सीढ़ियों पे चाय पी रहा था और मेरे से मेरा पर्स गिर गया, मेरे को पता नहीं चला और मेरे को कोई आइडिया नहीं है। और मेरे को कॉल आता ना, मैं अननोन नंबर नहीं उठाता हूँ, तो मेरे को कॉल आया, मैंने नहीं उठाया, मैं पता नहीं कौन है। फिर एक और कॉल आया, मैंने उठा लिया कि भाई क्या हो गया, पूछते हैं। पता चलता है कि मेरा पर्स गिरा है और कोई मेरे को बोल रहा है कि मंदिर के सामने पर्स गिरा के ले जाओ। तो मैं आता हूँ लेने। अब ये है कि उनको मेरा नंबर मिला कहाँ से, मेरे पर्स में HDFC के कार्ड थे, उन्होंने HDFC बैंक फ़ोन किया, उससे नंबर निकलवाया, फिर मेरे को कॉल किया। मतलब मैं सोच रहा हूँ कौन इतना करता है, इतनी लेंथ पे कौन जाता है, वरना वो छोड़ देते। पैसे ज़्यादा नहीं थे, 500,000 रुपये थे, उसकी बात नहीं है, बट कार्ड्स खोते तो बहुत दिक्कत होती। मेरी आधार कार्ड था उसमें, खोता बहुत दिक्कत होती ट्रैवल पे, फिर कैसे हो पाता। तो मैं मेंशन करना चाहूँगा इधर जो क्लीनिंग स्टाफ है उनको, और DTSS उन्होंने बताया कंपनी का नाम, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ भाई कि बहुत ज़्यादा एफर्ट किया उन्होंने सही में, और मैं बेवकूफ़ आदमी में ऐसे गिरा के चल दिया। तो सर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। काशी विश्वनाथ मंदिर, मेरे को याद आता है एक बार मैंने वीडियो बनाया था कि आगे एक लोलार कुंड है मंदिर, यहाँ पे उसके सामने मेरी चप्पल चोरी हो गई थी, उसका मैंने वीडियो बनाया था, वो भी सच था। बट ये भी सच है कि अगर पर्स घूमता है तो कितनी लेंथ पे जाके आपका नंबर निकाल के आपको कॉल करके बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, वेरी ग्रेटफुल। नाउ बैक टू वीडियो। तो ये था पहला लिटिल मैजिक जो मेरे साथ काशी में हुआ, मगर ये आखिरी नहीं था। एक ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज बताता हूँ, लाइफ में 2 तरह के मैजिक होते हैं, एक होता है लिटिल मैजिक और एक होता है बिग मैजिक। और ये दूसरा लिटिल मैजिक मेरे साथ तब होता है जब मैं अपने हॉस्टल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच देख रहा होता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के मार खाने पर मेरी खुशी तो समझ आती है, पर अंग्रेज भाई साहब किस बात पे खुश हो रहे थे?
पता चलता है कि इनका नाम एडम है और जब जब इंग्लैंड की टीम नहीं खेल रही होती है तो इंडिया इनकी सबसे फेवरेट टीम होती है। मैच के बाद मैं भाई को ऐसे ही कह देता हूँ, कल मैं सारनाथ जा रहा हूँ, जिस पर वो ये कहते हैं, कल मैं भी सारनाथ जा रहा। ठीक, एग्जैक्टली ऐसे नहीं, ओके, पर कुछ इसी तरह से हमारी दोस्ती हो जाती है। फिर एडम, मानी, निधि और मैं जाते हैं सारनाथ घूमने। वाराणसी से बस कुछ 13 किलोमीटर की दूरी पर है बुद्धिज्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान। कहते हैं ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला पवित्र उद्देश्य यहीं पर दिया था। और जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली मुझे यहाँ आकर, वो ये है कि जो इंडिया का नेशनल एम्बलम है, हाँ, ये स्ट्रक्चर यहीं सारनाथ में एक्सकवेट किया गया था, जिसको लायन कैपिटल ऑफ अशोका के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें इतना मजा कहाँ जितना मजा एडम को इन बच्चों से क्रिकेट में हारते हुए देखने में। एडम भाई बहुत ही बड़ा क्रिकेट का फैन, इसलिए फिर जब हम वापस अपने हॉस्टल पहुंचते हैं तो मैं उसे पार्टिंग गिफ्ट के तौर पर MS धोनी सर का एक ऑटोग्राफ दे देता हूँ। ये ऑटोग्राफ लिया तो मैंने अपने लिए था, मगर शायद एडम को ये लेकर ज्यादा खुशी मिली है। तो हुआ ना एक और मैजिकल मोमेंट, मेरे लिए नहीं एडम के लिए सही। ऐसे ही करते करते बनारस में बहुत दिन निकल गए। जब कभी बनारस से निकलने का सोचा, अरे अभी कहाँ चल दिए, क्यों, क्या हो गया? अरे आज कॉन्सर्ट है, इंडियन ओशन वाले आ रहे हैं। इंडियन ओशन आ रहा है? तो कुछ ना कुछ वजहों से मैं निकल ही नहीं पाया। मोक्ष भवन से भले ही कॉल अब तक नहीं आया था, मगर मेरे को मजा खूब आ रहा था। एक जगह से बोर हुआ तो दूसरे हॉस्टल में चेक इन कर लिया, जहाँ मेरे कई और अच्छे दोस्त बने। हमने साथ में स्ट्रीट फूड खाया, गजब का मलइयो उड़ाया। Can you describe the taste of this apple I'm pie? I'm going to do naughty things with this apple pie. This apple pie is like... Cheers! पर इसी तरह से लोग मिलते रहे और लोग बिछड़ते रहे। तो ये मेरा डॉम का रूम है और यहाँ पे मैं इतने कमाल कमाल लोगों से मिला हूँ ना भाई साहब, मतलब सही है, जो जो इस रूम में आता है समझो एक नंबर कनेक्शन उसके साथ बनी जाता है। यहीं पर मेरी मुलाकात होती है डेविड और ईवा से। तो कल डेविड को मैं पान खिलाने लेके आया था, इनको इतना बढ़िया लग गया कि आज ये मेरे को लेके आए। Can you translate what did I say? Yes. What? My friend David is one of the best people I've ever met in this world. He's so beautiful and handsome. He's a convert to and I'm a convert to this thing. Yes. I said yesterday I bought you here, today you have bring me here. Yes, that is very true. Because we love pan. And Eva's here to see for the first time. I'm the witness. Okay, now pan time. Bye-bye. Yeah, bye. और फिर इनके साथ इनके ही फेस्टिवल का आखिरी दिन भी सेलिब्रेट किया। Can I wish for 2 things? Yes. Because we keep on doing it all the time. Okay. So I have lit this candle and I pray. My friend's mother is super sick, like super sick since past 6 months. And I just want them to find peace. Like, I want them to recover obviously, but I also want them to find peace to their family. So this is what I wish for. And second, I wish for my own peace. The flow that I am in right now, I want that to continue and not stress about anything. That's it. Is there like a Hindu version of Amen? Hari Om. Hari Om. एक आखिरी इंटरेस्टिंग चीज जो हुई मेरे साथ, जाने से पहले घाट किनारे एक और ट्रैवलर मिली जो अपनी फ्लाइट से जस्ट पहले मैया के साथ कुछ टाइम बिताने आई थी, और इस बार मैया मैंने नहीं, उन्होंने ही लगाया था। Oh, I love so much Ganga. Why? It's a feeling, you know. ये यहाँ बनारस में इंडियन म्यूजिक सीख रही हैं, भजन गा रही हैं। Because Ganga is a very sacred river, like we call her our mother. Oh yeah. So how do you have this same feeling? I just wanted to understand that. India is my second home. Maybe in my last birth, I was maybe an Indian. Oh wow! Thank you so Ganga much. Ganga ki jai.
गंगा की जय, गंगा मैया की जय। पर अब इतने दिनों बाद ये मेरी बनारस में आखिरी रात है। पिछले 20 दिनों में मैंने गंगा आरती एक दिन भी मिस नहीं करी, तो आज लास्ट डे कैसे जाने देता। खुश तो मैं बहुत था, फिर भी आरती में पूरे दिल से बस एक ही विश करता हूँ कि जिस लिए मैं यहाँ बनारस में आया था वो मैं देख सकूं। और फिर हेलो, हाँ जी अनुराग जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कितने बजे आ जाऊं सुबह? ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरे को लगा नहीं था ऐसा हो जाएगा, मेरे को पता था ऐसा हो जाएगा, बट अभी हो जाएगा ये नहीं पता था। और मतलब सही भी हो जाएगा यार, बिलीव नहीं हो रहा है, अजीब है ये। मतलब था कि होगा कैसे तो हो ही जाएगा, और जब एक्चुअली हो गया तो लग रहा है कि भाई खैर। अभी मैं जा रहा हूँ मोक्ष भवन। मेरे को कल रात में फ़ोन आया था अनुराग जी का, उन्होंने कहा था कि सुबह 8 बजे तक आप पहुँच जाइएगा, तो जो भी सुबह की पूजा रहती है उसके बाद की जो सेरेमनी रहती है आप सब आराम से वहाँ पर आके कवर कर सकते हैं। बहुत खुशी हुई भाई, दिल खुश हो गया। मतलब ऐसा नहीं होता, मतलब ये वो ठीक नहीं है एग्ज़ाम्पल, मैं फिर कह रहा हूँ एग्ज़ाम्पल ठीक नहीं है, बट बचपन में जब पिकनिक जाना होता था अगले दिन तो एक्साइटमेंट होती थी, तो रात में नींद नहीं आती थी। मैं रात में 3:30 बजे उठ गया और टाइम देख रहा हूँ क्या सुबह हो गई। मतलब मैं बहुत बहुत ज़्यादा लुकिंग फॉरवर्ड टू इट अलॉट। वैसे तो बहुत ही कहानियाँ हैं इधर बनारस में, बट ये कहानी है जो मेरे को करनी थी। ये है काशीलाभ मुक्ति भवन, जहाँ मोक्षार्थी अपने अंतिम दिनों में आकर रहते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ तब आते हैं जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो। यहाँ रुकने का प्रतिदिन सिर्फ 20 रुपया ही किराया लिया जाता है, और निरंतर भजन और पूजा जो यहाँ चल रहे होते हैं वो वातावरण को हल्के बनाए रखते हैं। अब तक कितने मोक्षार्थी यहाँ से मोक्ष पा चुके हैं? देखिए, अब तक काशीला मुक्ति भवन में 14,958 मोक्षार्थी आए हैं। 14,958 मोक्षार्थियों में से लगभग 90% मोक्षार्थियों का मोक्ष हुआ है। दिन भर परिवार के साथ समय बिताकर मैं शाम को कुछ फल लेकर मोक्ष भवन लौटता हूँ, मगर तब कुछ ऐसा देखता हूँ जिसको यहाँ वीडियो पर नहीं बता सकता। मुझे मेरी तस्वीर भी कुछ ऐसी मिलती है जो यहाँ नहीं दिखा सकता, पर हमारी फोटो बुक की प्री बुकिंग आज से ही स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं इस पूरे किस्से के बारे में और डिटेल में जानने के लिए, तो आप melodiesofindia.com पर जाकर अपने लिए एक बुक प्री ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा इस स्टोरी को कवर करने का सफर यही नहीं रुका। कुछ दिनों बाद बनारस से करीब 70 किलोमीटर दूर इस परिवार के घर बिहार भी जाता हूँ मैं। हाँ, ये माता जी अभी ठीक है। उस दिन शाम में तबियत बहुत बिगड़ने के बाद सबने उम्मीद छोड़ दी थी, पर अभी माता जी की हालत पहले से बेहतर है। पूरा जब से गई यहाँ से बनारस तब से बेड़ी पर इनका पूरा सेवा कर। माता जी की इच्छा थी काशी के अंदर आखिरी दिन। हाँ, आखिरी दिन काशी के अंदर बिताना चाहती थी, तो आखिरी समय के इंतजार के लिए ले गए, लेकिन आखिरी समय इनका अभी नहीं। अंकल जी कह रहे हैं ऐसे नहीं जानते, नहीं आपको अमरूद खिलाते। मुझे नहीं पता कि वीडियो में यहाँ तक कौन कौन पहुँचा है। अब हम आएंगे जीटी रोड पे, तो आपसे मिलेंगे फिर से। नमस्ते। मगर जो भी पहुँचा है उनके लिए कुछ लाइनें जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट में एक दिल छोड़कर ज़रूर जाइएगा। क्षण भर की जिंदगी है, अब गए तब गए, क्या फिक्र करते हो घर की परिवार की, क्या फिक्र करते हो मित्रों की परिजनों की, एक ही बात की फिक्र करो कि तुम अपना गीत गा के जाओगे, कि तुम अपना नृत्य नाच कर जाओगे, कि तुम अपनी सुगंध बिखरा के जाओगे, कि मरते समय तुम्हें ये अपराध भावना लगेगा कि मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग से न जी सका। बस फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट सैटरडे।